Hello, I'm back. Praise the Lord. Good evening, good afternoon, and good evening. God bless you in advance, and I hope आपने मेरी वीडियोस एंजॉय की होंगी. मेरे मैसेजेस आपको अपील कर रहे होंगे, और आई एम हैप्पी कि अगर आप मुझे इसका फीडबैक दीजिए ताकि मुझे पता हो कि मैंने मज़ीद किन टॉपिक्स पे आपसे बात करनी है. अगर आपके माइंड में, दिल में कोई टॉपिक आता है और आप उसको क्लेरिफाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकूं, सेटिस्फाई कर सकूं. और अगेन, मेरा मोटिव यहाँ पर किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है. मैं किसी को डिग्रेड, डिस्करेज या डिसअपॉइंट करने के लिए वीडियोस नहीं बना रही. मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मेरे साथ जो मेरी कलीसिया है, लोग हैं, कम्युनिटी है, चाहे कहीं पे भी हों, वो मुझे ज्वाइन करें ताकि जो आपकी बेटी यहाँ बैठ के वैनकूवर में पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रही है, कर रही है, कर चुकी है काफ़ी सारा कुछ, उससे सपोर्ट हो. मैं दुनिया में कुछ कह सकूं कि हाँ, मेरे पीछे ये पास्टर है, ये चर्च है, मेरे साथ ये लोग खड़े हैं, मेरे साथ इन्होंने ये काम कर दिए हैं. और आपको ये भी एक बात बताती जाऊं, जब मूवी बनती है तो बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता है, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती हैं, बहुत सारे लोग एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं जो कभी भी उन्होंने सोचा नहीं होता. तो जैसे मेरे साथ हुआ, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो, आपकी भी लाइफ ऐसी ही कुछ इस फेज से गुजर रही हो, और आपके पास भी बहुत सारे मिरेकल्स हों और आपको भी खुदावंद इस्तेमाल करते हों. तो जब ऐसे स्पिरिचुअल लोग, ऐसे गिफ्टेड लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं, तो जो हमारी लाइट है, इस पे भी हम एक दिन बात करेंगे, जो हम दुनिया का नूर हैं, वो शाइन डबल हो जाता है. आपका ब्लेसिंग, मेरी ब्लेसिंग मिलके डबल ब्लेसिंग हो जाएगी. वो डबल पोर्शन जो है वो किसी और को हम दे सकते हैं, हम मिलके लेगेसी छोड़ सकते हैं, हम मिलके एक यूनिटी में लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं कि हम अभी मैं समझ लीजिए 10 लोगों के साथ काम कर रही हूँ, और ये 10 लोग गोरे हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं. लेट्स से मेरे साथ 50 और लोग इकट्ठे हो जाते हैं पाकिस्तान से, तो आप सबका नाम मेरी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, मेरे जितने इंटरव्यूज़ हैं जो मैं आपके इंटरव्यूज़ करूँगी, उनमें आपको रिकग्नाइज कराने में जितना मेरा एफर्ट लगेगा, उनमें लोग जो मुझे यहाँ गोरों में जानते हैं उनके सामने आपका नाम आ जाएगा. आपको मैं रेफरेंस लेटर्स जो लिखूँगी उसमें स्पेसिफिकली लिखूँगी कि आपने क्या क्या किया, किन एरियाज़ में आपने मेरे साथ वॉलंटियर किया, और आपकी बिहेवियर, एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट क्या था. उसका आपका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा रेज्यूमे पे. इसके अलावा, अगर आप मेरे साथ वॉलंटियर करते हैं तो मैं आपको जब मूवी बनेगी तो उसमें हमने इंसेंटिव्स भी रखे हैं, क्योंकि हर वॉलंटियर को इंसेंटिव वैसे भी मिलता है, चाहे आप किसी भी दुनिया के हिस्से में वॉलंटियर हो. एक टाइम आता है, उनको रिकग्नाइज किया जाता है, उनकी वैल्यू होती है. मैंने ये सोच रखा है कि जब हमारा प्रीमियर या गाला या कुछ भी होगा, कोई इवेंट होगा, उसमें मैं सारे वॉलंटियर्स को रिकग्नाइज करूँगी. और मेरी वैसे भी ये दिली ख्वाहिश है कि जब पैसा इकट्ठा हो, खुदावंद पैसा दें, तो उनको मैं स्पॉन्सर कर सकूं, पाकिस्तान से निकाल सकूं, पाकिस्तान से यहाँ आके उनकी बेहतर एजुकेशन हो सके, वो अच्छे मकाम पे हों, उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलें. हो सकता है हम सब मिलके एक साथ काम ही कर रहे हों, फिल्म्स पे ही काम कर रहे हों, आपको जॉब भी करनी ना पड़े, क्योंकि मेरे पास तो बहुत प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त. 3 स्क्रिप्ट तो हमारी ऑलरेडी लिखी गई हैं, और जो 2 स्क्रिप्ट हैं उनको भी अवार्ड्स मिल चुके हैं. तो हो सकता है कि जब खुदावंद ऐसे वक्त और हालात बनाए, हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हमारी यूनिटी हो जाए, हम मिलके काम कर रहे हों, तो हो सकता है कि हमें आपको कहीं जाना ना पड़े, आपको किसी के तरले मिनते करने ना पड़े, आप किसी के इंतज़ार में ना हो कि कोई हमें बुलाएगा, कोई हमें काम देगा तो हम करेंगे. अगर हम अपनी कम्युनिटी के लिए खुद सारे मिलके काम कर सकते हैं, अगर हम कम्युनिटी के लिए एक पिलर, स्ट्रांग पिलर बन सकते हैं, तो आपकी आने वाली पुश्तें और मेरी आने वाली पुश्तें कामयाब हो जाएंगी. हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के जाएं जिस पे हमारे आने वाले बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, जेनरेशन टू जेनरेशन, जिसे हम कहते हैं, ब्लेस हो सके.
अब मैं आपको ये भी बताऊं, मूवी बनाने में बहुत सारा पैसा आता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर खुदावंद की तरफ से हो तो उसका कोई टाइम की वरी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि खुदावंद ने उसका टाइम पहले मुकर्रर किया होता है। और अगर ये खुदावंद की प्लान के मुताबिक है सब, तो उसमें जो बरकत है वो सिर्फ एक शख्स को नहीं मिलती, जो पूरी टीम होती है उसको भी मिलती है, जो टीम के बाहर होते हैं उनको भी मिलती है, जो पार्ट टाइम होते हैं उनको भी मिलती है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं कभी भी ख्याल भी था, मेरे ख्वाबो ख्यालों में भी ये नहीं था कि मैं कोई फीचर फिल्म बनाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक होते ना, आप प्लान करते हैं, आप फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि मैं अकाउंटेंट बन जाती हूँ, मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, मैं एडमिन में चली जाऊँ, मैं MBA कर लूँ, मैं मास्टर्स कर लूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन, कुछ भी ऐसा एक डिज़ायर होती है, प्लान होता है। मेरा इसमें कोई ऐसा एसच इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरी जीरो इन्वॉल्वमेंट थी डे वन से। सिर्फ मेरी इन्वॉल्वमेंट क्या थी, दुआ जो मैंने की, जी भर के की, और दुआ के अलावा जब जब खुदावंद ने आवाज़ दी मैंने अपने कानों को ट्यून किया, ट्यून करने के बाद मैंने खुदावंद से सुना, गहराई में बैठी, खामोशी में बैठी, और वो सुनने के बाद उस पर मैंने अमल किया। सुनना ही काफ़ी नहीं होता, एक टॉपिक मेरे पास ये भी है कि हमें अपने कानों को कैसे ट्यून करना है, कैसे खुदावंद की आवाज़ को सुनना है, उसके कामों में कैसे बढ़ना है, मैं वो भी आपको, वो भी एक चाबी है, वो भी मैं आपको दूंगी। ये सारी चाबियां हैं जो मैं आपको दे रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू डोंट हैव टू गो अराउंड एंड लुक फॉर दिस कि मुझे कोई एजुकेट नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो अब मैं आपको वो सारा कुछ दे रही हूँ जो एक कामयाब इंसान को चाहिए है, जो एक कामयाबी में चाहिए है, मैं आपको सारी चाबियां दे रही हूँ। आप प्लीज़ इन चाबियों को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए, अपनी लाइफ में इनको ऐड कीजिए, अपनी लाइफ को ट्यून कीजिए। जब तक आपकी लाइफ ट्यून नहीं होती, काम नहीं होता। आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उस टाइम टेबल में आपको एक रूटीन में आना पड़ेगा। अगर आपका टाइम ज़्यादा टीवी, रेडियो, बाहर घूमना, फैमिली में घूमना, बहुत ज़्यादा टाइम आप इंजॉयमेंट में गुजारते हैं, उसे कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद के जो काम होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी होती हैं। मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, मैं एक टाइम आया था जिससे मुझे सबसे कट ऑफ करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं लोगों के साथ आती हूँ जाती हूँ, घूमती फिरती हूँ, तो मैं लोगों को खुश कर रही हूँ, उसमें मेरा खुदावंद का काम रुकता है। अगर मैं वो नहीं करती तो वो मुझसे नाराज़ होते थे कि ये आ नहीं रहे, ये हमारे साथ मिल नहीं रहे, इसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, इसने हमसे बात नहीं की। तो मैं उस वक्त दुआ में होती थी, खुदावंद की हजूरी में बैठ के आवाज़ सुन रही होती थी, तो मैं खुदावंद को खुश कर रही थी। अब ये मेरी चॉइस थी, या है कि मैं इंसानों को खुश करूं या मैं खुदावंद को खुश करूं। तो मैंने चूज़ किया, मैंने डिसाइड किया, मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं खुदावंद के साथ जुड़ी रहूंगी, मुझे इंसानों से कोई गर्ज नहीं है। खुदा खुद ही इंसान भी लेकर आते हैं, जब आप खुदावंद के हाथ थाम लेते हैं, उसके पल्लू से बंध जाते हैं, उसे दिल से लगा लेते हैं, सब कुछ कलाम में लिखा है कि वो तेरी दिल की मुरादों को पूरा करेगा, वो नींद ही में अपने महबूब को दे देता है। तो जब इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस खुदावंद ने किए हैं, तो मैं उन पे अमल करूँ, उन प्रोमिसेस को लेके चलूँ, या मैं इंसानों को खुश करूँ। तो मैंने डिसाइड किया, नहीं, मैं दुआ में रहूंगी, मैं खुदा उनके साथ रहूंगी। मैंने अपना टाइम कट ऑफ किया, मैंने टीवी देखना बंद किया, मैगजीन, न्यूज़, आना जाना, किसी से मिलना, हर रोज़ दावतें करना, खाने पकाना, ट्रैवल करना, मैंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट में खुद अपने आप में तैयारी की ज़रूरत है, इंटरसीड करने की ज़रूरत है। जो लोग मर रहे हैं, दुखी हैं, अगर चले मैं इंजॉय भी करती हूँ और मेरा दिल पीछे रहता है, तो जिस्मानी तौर पे तो मैं हूँ वहाँ, बट मैं रूहानी तौर पे वहाँ नहीं हूँ, विच इज़ चीटिंग। तो मैं चीट नहीं कर सकती थी, और मैंने खुदावंद से कहा, खुदाया बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड था, लोगों ने बहुत बातें की, हर्ट भी किया, बहुत सुनने को भी मिला, बहुत कुछ हुआ, फिर ज़िंदगी रही और ऐसा मौका हुआ, ऐसे हालात हुए, तो मैं आपको अपनी जो बीती है, दुखी जद्दाशा जिसे हम कहते हैं,
वो भी शेयर करूंगी, बट वो जरूरी नहीं था मेरे लिए, तो मैंने अपना जो टाइम था वॉलंटियरली खुदावंद के लिए गुजार दिया, और मुझे खुदा ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि मैं आपको अल्फाजों में बता नहीं सकती। ये जो मेरी दीवार पे अवार्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये उस सारी दुआ का, सेक्रीफाइस का, इंटरसीड का, हम्बल होने का, वॉलंटियरली सब कुछ जो किया, चाहे सीनियर होम में किया, चाहे कम्युनिटी में किया, चाहे इंडिविजुअली लोगों के साथ किया, उसका रिवॉर्ड है। अब है ना, जो एक पाकिस्तान की, एक कराची की, एक घर में रहती थी जिसे दुनिया कोई जानती भी नहीं थी, आज अगर है ना रत्नम आप कहीं पे भी लिखेंगे, आपको राइट वे हैनाज ड्रीम मिलेगी, सब्सक्राइबर मिलेंगे, व्यूअर मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, आपको मेरे अवार्ड्स नज़र आएंगे। आज दुनिया में कुछ थोड़ा सा अभी मैंने करना शुरू किया है, और वो थोड़ा सा उस वक्त पूरा होगा जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे आप जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लीडर्स, पास्टर्स, MLAs, MPAs, जो भी आप नाम ले लें, इकट्ठे होंगे तो ये होगा, इसके अलावा ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर खुदावंद की मर्जी में है, खुदावंद ने करना है, तो वो कहाँ से किसको लेकर आएंगे वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट ये अगर खुदावंद का प्रोजेक्ट है, उसने अपनी कलीसिया के लिए बनवाना था, बनाना था, एंड ही सीज कि आपका डेडिकेशन, पैशन, विजन, मिशन क्या है, तभी खुदावंद आपको जिम्मेदारी देते हैं। हम इस पे भी एक दिन बात करेंगे, खुदावंद ने कहा है कि जितना आप कर सकते हैं उतना ही आपको मिलता है, खुदावंद आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत मेरे पास एक मैसेज है, बिब्लिकल मैसेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगेन, मेरे साथ जुड़े रहिए, खुदावंद में रहिए, दुआ कीजिए अपने लिए भी, मेरे लिए भी, कलीसिया के लिए भी, और हम मिलके, मिलके मींस बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ कि यूनिटी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ये तेरा मेरा नहीं है, ये खुदावंद का काम है, ये कलीसिया का काम है, और एज गिफ्टेड पीपल, एज होली पीपल, एज कॉल्ड क्रिश्चियन, आपको पता है क्रिश्चियन का मतलब, क्रिश्चियन मीन्स समबडी, जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ आई एम अ क्रिश्चियन पाकिस्तानी वुमेन। पाकिस्तान तो एक कंट्री है, वुमेन तो मैं एक फीमेल हूँ, इसलिए है। क्रिश्चियन का मतलब है मैं खुदा जैसी हूँ, मैं क्रिश्चियन मीन्स मैं खुदावंद को, मैं जीसस को फॉलो करती हूँ। अगर मेरे अंदर खुदावंद की टीचिंग, प्रीचिंग, मैसेज नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है, मैं लाइव एग्जाम्पल नहीं हूँ, तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। मैं अगर किसी के लिए दुआ भी नहीं कर सकती, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। अगर मैं किसी के लिए मदद नहीं कर सकती, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। अगर मैं किसी के दुख को देख कर इग्नोर कर दूँ और मैं अपने खाने पीने, घूमने घुमाने और कपड़े लत्ते में लगी रहूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। क्रिश्चियन का मतलब होता है सेक्रीफाइस, क्रिश्चियन का मतलब है समवन हु इज फॉलोइंग क्राइस्ट एंड दे लुक लाइक क्राइस्ट। अगर क्राइस्ट वाली कोई चीज़ मुझ में है ही नहीं, तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। इसके ऊपर भी एक टॉपिक है, हम फिर बात करेंगे। खुदा ना आपको बरकत दे, आप सलामत रहें, खुश रहें, और अगेन मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। दैट गिव्स अस इनकरेजमेंट, बिकॉज जो यहाँ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, वी रियली नीड योर सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट फॉर ऑल व्हाट वी आर डूइंग वॉलंटियरली। इनके लिए भी दुआ कीजिए, खुदा ने इनके और कामों को, चीज़ों को बढ़ाए, ताकि हमारे फाइनेंसिस जो हैं इकट्ठे हों और हम मिलकर यूनिटी में ये मूवी बना सकें। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। बाय फॉर नाउ। लव यू ऑल।